सुप्रभात, मैं धनंजय कुमार महतो वर्ग 9 के लिए कविता भाग में कबीर द्वारा रचित सबक का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछला क्लास में मैंने कबीर दास द्वारा रचित सबक का प्रथम भाग पढ़ाया हूँ, आज इसका दूसरा भाग मैं बताने जा रहा हूँ। इनकी भाषा जो है खिचड़ी है, सदुपकड़ी है, इसलिए इसमें जो है खड़ी बोली में नहीं है, इसलिए जो सदुपकड़ी है इसका वर्णन यहाँ किया गया है। संतो भाई आए ज्ञान की अंधेरे, कबीरदास जी यहाँ वर्णन करते हैं अपने भक्तों को संबोधित करते हुए, ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आंधी आती है और आंधी आने से जितने भी धरती पर कूड़ा कचरा होता है एक जगह जाकर एकत्रित हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह से जैसे ही भक्त के हृदय में ज्ञान की आंधी का प्रभाव पड़ता है उनका मन एकदम पवित्र हो जाता है। हृदय चित्त की द्वे थुनी ईरानी मोह मलिंडा वगैरह, जिस तरह से आंधी के प्रभाव से जो अस्तम होता है पट के गिर जाता है, उसी तरह से ज्ञान की आंधी के प्रभाव पड़ने से मन में स्थित जो मोह माया है जो एक अस्तम के समान है वह भी उठ के समाप्त हो जाता है, एकदम पवित्र हो जाता है और तृष्णा छानी परी ऊपरी कुबुद्धि का फंदा उठा। जिस प्रकार पूरा कचरा एकदम स्वच्छ हो जाता है उसी तरह से मन में स्थित जितना भी तरह का कुबुद्धि है वह समाप्त हो जाता है, मन एकदम पवित्र हो जाता है, उनके भ्रम उठ जाता है। जो जुगति करी संतो बांधी निर्चुने लो पानी, जो विभिन्न तरह का युक्ति करता है, साधना करता है और भगवान के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है और जैसे ही ज्ञान की आंधी का प्रभाव पड़ता है उनका मन एकदम ईश्वर के प्रति रम जाता है और ज्ञान में हृदय में ज्ञान का वास करता है। कूड़ कपट काया का हिस्सा हरिजन भीना, भक्तों के हृदय में स्थित कूड़ कपट जो स्थित होता है हरि यानी भगवान के प्रभाव से वह एकदम दूर हो जाता है और उनका मन जो है ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है। कहे कबीर भान के प्रकट उतित ध्याता भीना, वो जैसे ही ज्ञान के आंधी का प्रभाव पड़ता है ईश्वर की कृपा दया प्राप्त होती है, मन में स्थित जो तम रूपी दुर्विचार है वह अंधकार है वह कुबुद्धि है वह एकदम समाप्त हो जाता है और उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश छा जाता है और वे एकदम ईश्वर के शरण में चला जाता है और सुख और परमानंद की प्राप्ति करता है। मैं आज कबीर दास द्वारा रचित सबक यही समाप्त करता हूँ। ये भक्ति काल की एक निर्गुण शाखा की एक सशक्त कवि है, ये बहुत ही अहम चैप्टर है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना सेक्शन रूम नंबर लिखना नहीं भूलें। धन्यवाद।